ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडीय गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडीय गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी ये घमंडीय गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। साथियों, आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं, जब हम वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी उसकी मजाक उड़ाते हैं, जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं, जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं, जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं, जब हम ग्रामीण विकास के लिए फंड भेजते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसे गरीबों को तक पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो, ये जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रता पूर्वक सलाह है, कृपा करके ऐसी राजनीति न करें